परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान किया है, ई रिक्शा पर अब रोक नहीं लगेगी। इस बीच आपको बता दें कि ई रिक्शा वाले प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में, वहां इस दौरान गडकरी ने ये ऐलान किया है। इस बीच आपको बता दें कि उन्होंने ये भी जानकारी दी है साथ ही साथ कि इस ई रिक्शे के परिचालन के दौरान 4 सवारियों को बैठाने की लिमिट है। इसके अलावा 100 रुपए में नगर निगम रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं वो आइए सुनिए। हिंदुस्तान के इतिहास में ये दीनदयाल ई रिक्शा की योजना हिंदुस्तान के 2 करोड़ गरीबों को रोजगार देगी और उनका भला करेगी। मैं हृदय से आपके मार्फत दिल्ली के ही साइकिल रिक्शा चलाने वाले नहीं वो हिंदुस्तान में साइकिल रिक्शा चलाने वाले सभी गरीब, हिंदू हो, मुसलमान हो, पिछड़े हो, कोई भी जात के हो, तमाम रिक्शे वालों को ई रिक्शा में आप पाइए, अपने जीवन को बनाइए, अपना रोजगार खोज लीजिए। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाने के लिए सहयोग करिए। हमारे इस रिक्शा आज के इस कार्यक्रम के हमारे महामंत्री अनुज शर्मा को और हमारे सभी पदाधिकारियों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आप सब मेरे गरीब भाई और बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना भगवान के पास करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, रिक्शे वाले प्रदर्शन कर रहे थे, इसी के तहत ये बड़ा ऐलान नितिन गडकरी परिवहन मंत्री ने किया है। 100 रुपए में नगर निगम करेगा रजिस्ट्रेशन और किसी तरह की रोक इन ई रिक्शा पर नहीं लगेगी। इसके अलावा 50 किलो तक सामान ढो सकते हैं और साथ ही साथ आपको बता दें 4 सवारियां ढोने का परमिट भी दिया गया है नितिन गडकरी के बयान के बाद।